कक्षा 10वीं के बच्चों का संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है। बच्चों जी हाँ, आज आपका जो पेपर था या आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है और आपका जो आज गणित का पेपर था यानी कि कक्षा 10वीं गणित, उस गणित के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के आंसर सही एग्जाम में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे बच्चे की प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न बच्चों यहाँ पर आया था, सही विकल्प चुनकर लिखना था, अपने को यहाँ पर एचसीएफ बताना था। तो यहाँ पर मैंने इसे सोल्व करके डाल दिया है कि जब हम इसे 91 को यानी 21 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 आता है, और उसके बाद में 21 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 से इस पर बच जाता है। इसका मतलब 7 मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ निकल कर आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो भी चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ये बाय मिस्टेक चारों ऑप्शंस आप लोगों के गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को 1 नंबर प्लस या बोनस मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समीकरण निकाय एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो और माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस वन इजिकल टू जीरो का हल होगा। तो ये इसका जो हल हो जाएगा यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न देख लें, द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग होगा। तो इसका सी ऑप्शन यानी कि माइनस बी अपन ए। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो पैटर्न का वार्षिक परीक्षा का पेपर अभी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, सेम टू सेम इसी का मैं मॉडल पेपर ऑलरेडी में डाल चुका था। ठीक है, आप उस मॉडल पेपर को देखना और इस वार्षिक परीक्षा के पेपर को देखना, सेम टू सेम पैटर्न है आपका, वे ही रहेगा। ठीक है, 99% पैटर्न के ऊपर हमने वार्षिक परीक्षा का यानी कि मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया था ताकि आपको उसी प्रकार के रिलेटेड प्रश्न वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सके, और वही सब कुछ आपको उसी प्रकार के रिलेटेड प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा को देखने को मिला है आज। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों क्या करना था, अपने को द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इजिकल टू जीरो के विव्यक्ति कारक का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि 0 आएगा। वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सकर्ण वाला ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से यदि देखेंगे, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि 5√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यानी कि प्रश्न क्रमांक 2। तो ये जो पहला जो प्रश्न है इसका आंसर बन जाएगा आपका a into b आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 8 में यदि x इजिकल टू 3 तब तो y इजिकल टू 5 होगा। क्या होगा? 5। उसके बाद में एक बहुपद द्विघाती घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। आगे बढ़ जाए यानी कि यदि प्रथम पद a एवं सर्व अंतर d हो तो तब एनवा पद होगा आपका a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद और d होगा। अगला देख लेते हैं यानी कि प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं यानी कि समरूप होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला आगे बढ़ जाएं यानी कि प्रश्न क्रमांक, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक। कौन सी? छेदक रेखा। ठीक है, आगे बढ़ जाए यानी कि त्रिज्या आर वाले वृत्त को क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी वाला प्रश्न आया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कि मैंने उसे यहाँ पर क्रॉसिंग मार्क करके और इस प्रकार का जो मैंने मेथड किया ये यूज़ नहीं करना। मैंने आपको मॉडल पेपर जब समझाया था बताया था, क्योंकि जैसा कि ये सेक इसका जो आंसर यानी कि ये आ रहा है ना, तो इसके आंसर इसके सामने लिखना था अपने को, यानी कि डी वाला इसका आंसर है। तो किस प्रकार से लिखना था? यहाँ पर लिखना था कोसेक थीटा ऐसा उसका आंसर लिखना था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न का यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट है, तो उसका आंसर बन जाएगा यानी कि जो पहले का डी आ रहा है तो दूसरे का क्या आ रहा है बच्चों? दूसरे का आंसर आ रहा है आपका सी, यानी कि दूसरे का क्या आंसर आ रहा है? पहले का आ रहा है आपका डी आ रहा है, दूसरे का आपका सी आ रहा है, तीसरे का आपका बी आ रहा है। ठीक है, और चौथे का जो आंसर आ रहा है यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ए आ रहा है। पांचवे का आंसर यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ आ रहा है। उसके बाद में सिक्स का आंसर आ रहा है आपको यहाँ पर यानी कि ई आ रहा है। ये तो इसके नंबर हो गए, लेकिन अपने को जस्ट उसी के सामने अपने को उत्तर लिखना चाहिए था, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में उत्तर अभी बताया और मैंने मॉडल पेपर में भी आपको समझाया है कि इस प्रकार से आपको यदि ये वाला प्रश्न यदि आता है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आपको वार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा गया है, तो है ना। आगे बढ़ जाएं यानी कि यहाँ पर प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर अपने को लिखना था। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसका आंसर बन जाएगा बी कॉमा ए का गुणनखंड है। दूसरा देख लेते हैं यानी कि,
तो इसका आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, तो वो प्रमेय है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आगे देख लेते हैं, है ना, कि इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, चौथे का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, वो कहलाता है बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होती है शून्य। अगला देख लेते हैं, यानी कि अगला प्रश्न नंबर सेवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा इजुक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक फाइव। देखना बच्चों, मैं एक बार फिर अगेन आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो मॉडल पेपर दिया था उसी मॉडल पेपर के ऊपर यहाँ पर आज आपको वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने को मिला है, और इसके बाद में जितने भी सारे आपके बाकी के जो सब्जेक्ट बचे सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपको ठीक उससे एक या दो दिन पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएँ, यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है, यानी कि पहला जो आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा आपका असत्य है, और छठा आपका सत्य है। ये इस प्रकार से ये वाला मेथड यूज नहीं करना था, मैंने आपको समझाया था, इसमें आपको सत्य और असत्य ही लिखना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से आपको हमेशा देना है। इस प्रकार से यहाँ पर बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका हो सकता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। बच्चों, यदि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न के कॉन्सेप्ट हैं 100% रियल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर बिल्कुल मिलेगा। और ठीक एग्जाम से पहले आपको वार्षिक परीक्षा के एग्जाम से पहले आपको मॉडल पेपर 100% आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 100% मिलेंगे, और बाकी के सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिलेंगे। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। आई होप हम बहुत ही जल्द आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।